दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करें, सजेस्ट करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप लाइक एंड फॉलो करें। दोस्तों आज से हम न्यू सीरीज़ चला रहे हैं जो कि बायोलॉजी हिंदी है या जीव विज्ञान जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इसे कोई भी पढ़ सकता है, चाहे 10th 12th का एग्ज़ाम देने वाला हो या फिर PMT प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने वाला हो या एम्स की तैयारी करने वाला हो। यह एक नोट्स की तरह है जिसे हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज ख़त्म करते जाएंगे। दोस्तों आशा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक परिचय, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान प्रमुखतः दो शाखाओं में विभाजित हो जाए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेमार्क और ट्रेविरनेस ने सर्वप्रथम सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो जीवन, लोगोस अध्ययन, जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन। हिप्पोक्रेटस जो 460 से 370 ईसा पूर्व के बीच में थे को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस जिन जो 370 से 287 ईसा पूर्व तक थे उनको वनस्पति विज्ञान का